नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से कम है, कितना कम है? 39। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, 39 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या है? देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये कोण बराबर है और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है ना। यानी मैं नाम रखू ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो ए सी बराबर है और बी और डी ये भी बराबर है, ठीक है। अब मैं कोई दो एंगल ले लेता हूँ, ए और डी, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में एक ही साइड के दो एंगल यानी ए और डी, इन दोनों एंगल में एक बड़ा एंगल होता है एक छोटा। आप देख सकते हो एंगल जो ए है वो क्या है, छोटा छोटा, और एंगल जो डी है वो क्या है, बड़ा, ठीक है ना। एंगल ए प्लस एंगल डी का जोड़ कितना होता है, 180, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में एक ही साइड के दो कोणों का जोड़ क्या होता है, 180, ठीक है ना। बस वे आमने सामने नहीं होने चाहिए, एक ही साइड के, एडजेसेंट साइड बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो ए प्लस बी 180 डिग्री आ गया। हमें पूछा, हमें दिया क्या हुआ है कि जो बड़ा कोण है यानी डी वो बराबर है छोटे कोण के दुगने यानी 2a के दुगने में से 39 घटा दीजिए, यानी बड़ा कोण किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ स्मॉल एंगल -39 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें निकालना है सबसे छोटा एंगल यानी a की वैल्यू निकालनी है, तो करिए क्या, ये d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो a प्लस 2a -39 बराबर है 180, ठीक है। तो 2a और a कितने आ जाएगा, 3a, और ये 39 इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 219, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 3 9, तो ए यानी स्मॉल एंगल सबसे छोटा एंगल कितना आ गया, 73 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आ गया 73 डिग्री, ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर।